ये कहते हैं कि ये सीरत इब्ने हशाम जिक्र सनामुल अरब के अंदर ये बात है, सीरत इब्ने हशाम के अंदर। मैं खुद भी ये नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन ये मैं इनका हवाला दे रहा हूँ कि ये ज़्यादा उनके नज़दीक अथेंटिक है। यहाँ दो बातें समझने वाली हैं कि एक तो पत्थरों की इबादत करते थे जो काबे के पत्थर थे, तो यहाँ एक बारीक सा मैं इशारा कर दूँ। लोग कहते हैं कि पीरों पैगंबरों की ज़्यादा अदब एहतराम न करना चाहिए क्योंकि उनकी मोहब्बत की वजह से शिर्क शुरू हुआ है, तो फिर यहाँ क्या कहेंगे कि काबे की ताज़ीम भी नहीं करना चाहिए क्योंकि काबे की ताज़ीम की वजह से लोग वहाँ के पत्थर उठाकर ले जाते और शिर्क का बात, सब पत्थर ही बन गए। अब सब पत्थर क्यों उनकी क्यों इबादत करने लगे थे, उसका उसका जिक्र सीरत इब्ने हशाम में इन्होंने वो हवाला नकल नहीं किया, मगर उसमें यह है कि वो एक आदमी बयान करता हाफिज़ इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया की इब्तिदा में जहां वो कबाइल अरब का जिक्र करते हैं उसके अंदर उसका जिक्र किया कि वो पत्थर था तो वो पत्थर के अंदर से आवाज आती थी कि मैं तेरा माबूद हूं, आज की रात मैंने हुलूल किया है इस पत्थर के अंदर तो तेरी इबादत कर ले। तो जाहिरन तो पत्थर होता था, दर हकीकत वो जिन होता था। तो लिहाजा ये मुल्तान और चंग और तोखा मंडी और ये जितने